सूचना देने वाला ही बना हैवान। हैवानियत का शिकार हुई बच्चियां। 6 साल तक बंधक बनाकर करता था दुष्कर्म। गोद लेने वाला ही बना बच्चियों के लिए हैवान। जब कोई व्यक्ति किसी अनाथ को गोद लेकर उसकी परवरिश करता है तो समाज में उस व्यक्ति को एक अलग ही सम्मान मिलता है, लेकिन जब वही व्यक्ति गोद ली गई बच्ची के साथ घिनौना कार्य करे तो उसे हैवान कहना गलत नहीं होगा। अक्सर फिल्मों या टीवी सीरियल्स में ऐसी स्टोरियां आती हैं कि घर में ही बच्ची के साथ यौन शोषण या रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं। कुछ ऐसा ही मामला राजधानी लखनऊ में हुआ, जहां पर एक शख्स पहले तो 2 अनाथ बहनों को गोद लेता है, फिर उन्हीं का यौन शोषण करता है। मामला लखनऊ के बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक व्यक्ति की मौत के बाद उसकी 2 बेटियां अनाथ हो गई थी, जिन्हें एक परिवार ने अपना लिया। लेकिन 6 साल बाद जो घटना सामने आई उसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। दरअसल जिस परिवार ने उन दोनों बेटियों को गोद लिया था, उसी परिवार के मुखिया ने, जिसे उन बच्चियों ने पिता का दर्जा दिया था, उनके साथ यौन शोषण करता रहा। 6 साल से लगातार उन्हें बंधक बनाकर उनके साथ शारीरिक शोषण होता रहा। वहीं रहने वाले परिवार के एक परिचित को इस बात की भनक हुई, जिसके बाद उस व्यक्ति ने इस घिनौने कृत्य की शिकायत चाइल्डलाइन को फोन कर दी। इसके बाद पूरा मामला उत्तर प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग के संज्ञान में आया। आयोग ने तत्काल 181 वन स्टॉप सेंटर को लिखा और 2 दिन में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर बच्ची को रेस्क्यू कराया। उन दोनों बच्चियों को उस नर्क से तो निकाल लिया गया, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से उन लोगों को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है, जो कि सच्चे दिल से अनाथ बच्चों को गोद लेकर उनकी परवरिश करना चाहते हैं।